आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात देखने को मिल रहा है कि सियासत और भी ज्यादा गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने हार का सामना किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बन चुकी है। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव ने एक बार फिर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर निशाना साध दिया है। बार बार अपर्णा यादव से ये सवाल पूछा गया, बार बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार अपर्णा विष्ट यादव से ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थामा। और अब हाल ही में अपर्णा विष्ट यादव औरैया जिले में पहुंच गई और एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साध दिया है। क्या कहा है अपर्णा विष्ट यादव ने, जरा देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। योगी सरकार 2.0 कई अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। वहीं योगी सरकार की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। लगातार समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव लगातार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में काफी ज्यादा व्यस्त नजर आईं। वहीं अब बीजेपी की जीत के बाद अपर्णा विष्ट यादव लगातार विपक्ष पर निशाना भी साध रही हैं। हाल ही में अपर्णा यादव औरैया जिले में विधुना के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम के आयोजन में पहुंच गई। मुख्य अतिथि के तौर पर अपर्णा यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां पर अपर्णा यादव ने कहा कि मैंने देश हित के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ी है। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी और नसों में खून बहेगा, तब तक देश के हित के लिए खड़ी रहूंगी। जी हां, अपर्णा विष्ट यादव ने इस कार्यक्रम में निशाना साध दिया अपने जेठ ससुर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए हुए। दरअसल आपको बता दें, अपर्णा विष्ट यादव ने कहा कि मुझसे बार बार पूछा जाता था कि आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन की है, तो खुले दिल से बता देती हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मेरे रिपीट जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी बह रहा है, ये अपर्णा यादव का प्रण है, संकल्प है, और ये आपके लिए आह्वान करती हूँ। विधुना क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि ये राष्ट्रवादी पार्टी है। मंच पर अपर्णा विष्ट यादव ने कहा कि चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, सोशल मीडिया ट्विटर पर लोग कह रहे थे कि सन्यासी को मठ भेजने की तैयारी कर दी है। तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो उन सभी लोगों पर लट बजाने का काम करेंगे। बार बार लोग पूछ रहे थे कि बहू ने अपना परिवार क्यों छोड़ा, तो आपको बता दूं, कि मैं विधुना की बहू हूँ, बहू ने अपना परिवार नहीं छोड़ा है। हाँ, राष्ट्रवाद के लिए पार्टी छोड़ दी है। हमारे साथ के उन सभी लोगों ने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि हम सबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है। इस तरीके से अपर्णा विष्ट यादव ने कार्यक्रम के दौरान जहां एक तरफ विपक्ष पर निशाना साधा, लेकिन साथ ही साथ ये खुलासा किया कि आखिरकार उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन क्यों छोड़ा। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से अपर्णा विष्ट यादव अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर कहीं ना कहीं बिना नाम लिए निशाना साधती हुई देखी गई हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से। नमस्कार।